हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड के बारे में, क्योंकि ईशा मैम ने तो जो है यहाँ पर भोसले परिवार की बोलती बंद कर दी है यहाँ पर पिछले एपिसोड के अंदर, और सभी भी जो है बिल्कुल कामयाब हो गई है प्रूफ को इकट्ठा करने में। एंड इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, हूबहू आपको सीन आज के इस वीडियो में देखने को मिल गया होगा। अब लेकिन दोस्तों आने वाले एपिसोड को लेकर सवाल आपके मन में होगा कि एक ट्रैक तो खत्म होते हुए नजर आ रहा है, गुंडे बदमाश ईशा मैम वगैरह वगैरह सारे ट्रैक लगभग आकर आज के एपिसोड में सिमट गए हैं, अब आगे की स्टोरी लाइन भला क्या होगी। तो दोस्तों यहां पर एक बार फिर से कहानी कॉलेज में घुसने वाली है, और ऐसा घुसने वाली है कि निकलने में काफी वक्त लगेगा। अब देखिए यहाँ पर हरिणी के पति के खिलाफ, किरण के खिलाफ सभी के पास सबूत है, और आने वाले एपिसोड में सभी जो है यहाँ पर भोसले इंस्टीट्यूशन में जाकर उस सबूत को पेश करेगी। अब आप सभी को पता है कि भोसले इंस्टीट्यूशन में पेश करेगी तो प्रीकैप आप देख चुके हैं, ईशान को बुद्धि आएगी, सदबुद्धि आएगी थोड़ी बहुत, और वो कहेगा कि मुझे उससे माफी मांगनी है, लेकिन देर हो चुकी होगी, सभी डिसाइड कर चुकी होगी कि वो जा रही है रामटेक। ऐसे में यहाँ पर ईशान जो है उससे माफी मांगते हुए नजर आएगा। ईशान को बहुत गिल्टी फील होने वाला है कि मैंने ऐसा किया। वेल ये हो जाता है एक ट्रैक खत्म, अब कहानी होती है यहां से नई शुरू। क्या यहां पर शुरुआत होने वाली है ईशान और सभी के लव स्टोरी की, तो भैया रुक जाइए अभी, क्योंकि यहां पर जो ईशान एक बार माफी मांग चुका है ना और पुराने अपने सारे गिले शिकवे दूर कर चुका है सही से, तो उसको नए मोमेंट भी मिलने वाले हैं फिर से लड़ाई झगड़े करने के लिए। अब देखो यहां पर सभी जो है क्लास के बाहर रहकर इतने दिनों से क्लास ले रही है, अब फिर से कॉलेज जाएगी तो वही चीजें फिर से होने वाली है, लेकिन अब क्लास में एंट्री भी मिलेगी तो तब मिलेगी जब एग्जाम आ गए हैं। अब देखो यहां पर एग्जाम आ चुके हैं, सभी ने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, इतनी सारी चीजें चल रही थी, क्लास के बाहर गई थी इतनी बार कॉलेज गई, यहां पर वो काफी ज्यादा डिमोटिवेट होने वाली है अपने एग्जाम को लेकर कि अब करूंगी तो क्या करूंगी। ईशा मैम होने वाली है तो किस बात की फिक्र है, ईशा मैम उसे मोटिवेट करेगी कि बेटा तुझसे बढ़िया कोई स्टूडेंट हो नहीं सकता है, और जिस स्कॉलरशिप के दम पर तुझे एडमिशन मिला है ना, एक बार फिर से इस एग्जाम में साबित कर दे कि तू ही टॉपर है, और यहां की नहीं पूरे भोसले इंस्टीट्यूशन की नहीं, रामटेक की नहीं, पूरे इंडिया की टॉपर है। ऐसे में यहां पर सभी डिसाइड करने वाली है कि ठीक है मैम, मैं बिल्कुल एग्जाम दूंगी और यह साबित कर दूंगी कि जरूरी नहीं कि क्लास के अंदर बैठकर ही जो है पढ़ाई में टॉप किया जा सकता है, अगर आप मन लगाकर कहीं से भी पढ़ाई करते हैं तो आपका रिजल्ट बेहतर ही होता है। अब यहां पर सभी एग्जाम देने जाने वाली है तो यहीं से कहानी शुरू होगी एकदम नई। अब इससे पहले देखो कॉलेज का कई सारे सीन है जहां पर अक्का साहब, ध्रुवा वगैरह, आयुष वगैरह सब देखने को मिलेंगे, और यहां पर ध्रुवा और आयुष का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो ध्रुवा और आयुष ने जो है क्लास में रहकर भी जो है ना सही कहती है ना, एक बार पिछले एपिसोड में एक डायलॉग आया था सभी का, सभी कहती है कि मैं भी देख लेती हूं, तुम लोग क्लास के अंदर रहकर क्या उखाड़ लेते हो, मैं बाहर खड़ी होकर देख लेती हूं मैं क्या कर सकती हूं। तो यहां पर वही सीन होने वाला है, एग्जाम की और कहानी बढ़ने वाली है, और कहानी ऐसी कुछ होने वाली है कि यहां पर चिटिंग करने के लिए ध्रुवा और आयुष जो है पूरे फर्रे वर्रे सब चिट्ठियां विट्ठियां बनाकर पहुंचने वाले हैं यहाँ पर इंस्टीट्यूशन में और एग्जाम देने वाले हैं। अब देखो जब इंस्टीट्यूशन वाले जो एग्जामिनर आने वाले हैं वो देखेंगे कि भैया कुछ तो गड़बड़ है इस क्लास के अंदर, और डेफिनेटली यहाँ पर वो लोग जो है उनका शक जाएगा ध्रुवा और आयुष के ऊपर। लेकिन ध्रुवा और आयुष को जो है सीधी बात है एक मोहरा मिल रखा है कि उसके ऊपर सारा नाम डाल दो, क्योंकि इतनी सी चिंगारी लगानी होती है उसके बाद तो आग लगाने का काम खुद ईशान कर ही देता है। अब देखो वो चिट्ठी हो चाहे पर्ची हो चाहे कुछ भी हो वो फेंक देने वाले हैं सभी की तरफ, और सभी के ऊपर नाम आ जाएगा कि भैया ये जो लड़की है वो एग्जाम में चिटिंग कर रही थी और शायद इसी कारण से इसके इतने अच्छे नंबर आए हैं। यानी कि यहां पर सभी की मेहनत पर पूरी तरीके से एक और चाल आकर पानी फेर देगी, और एक बार फिर से जो है हमारे ईशान भाई साहब को ये बोलते हुए जरा सा वक्त नहीं लगेगा कि सभी वाकई में तुम किसी काम की नहीं हो, तो तुम चिटिंग करती हो, तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम एग्जाम में फेल होने वाली थी इसलिए तुमने ये रास्ता अपनाया, पता नहीं तुम्हारा ईशान मैम ने तुम्हें यही सिखाया है क्या। अब देखो यहां पर ये सारी चीजें होने वाली है, ईशान जो है फिर से आग बबूला होने वाला है, और सभी को जो है यहां पर वो लोग फैसला करने वाले हैं कि एग्जाम में चीटिंग की है ठीक है, इस बार इसको रेस्टिगेट किया जाए। यहां पर बहुत पहुंच जाएगी सभी के रेस्टिगेशन तक, लेकिन उसके बाद हमेशा की तरह ही जो है ईशान को जो है सद्बुद्धि आने वाली है, लेकिन कुछ समय के बाद ही ईशान इन्वेस्टिगेशन करने वाला है यहां पर, क्योंकि जब ईशान कॉपी देखने वाला है सभी की
तो सोच पाएगा, देख पाएगा कि यार कितनी भी चीटिंग कर लो, कितनी भी पर्चियां बना लो, पर इस टाइप की जो है ना चीजें वो कोई लिख ही नहीं सकता है चीटिंग करने के बाद। और ईशान इन्वेस्टिगेशन करेगा तो शक जाएगा ध्रुवा के ऊपर, आयुष के ऊपर, एंड यहां पर वो लोग भी जो है काफी संघर्ष के बाद, चाल और साजिशों के बाद जो है ईशान के सामने बोलने वाले हैं कि हाँ भैया हमने ही दादा हमने ही चीटिंग की थी, और ये सारा सच निकल कर सामने आएगा। और जिस तरीके से आने वाले एपिसोड में अभी ईशान जो है ना वो ऐसे गिल्टी फील कर रहा है ना कि सभी से माफी मांगनी है, उस सीन के बाद भी फील करने वाला है, क्योंकि उस सीन के बाद तो सभी पूरी तरीके से टूट चुकी होगी, रामटेक जाने का डिसाइड कर चुकी होगी, क्योंकि पहले इतने सारे इल्जाम ऑलरेडी लगे, एक तो चीटिंग का एग्जाम आ गया और रिस्टिकेट तो ऐसी हो गई कॉलेज से। तो ईशान यहां पर पूरी कमेटी के खिलाफ जाएगा भोसले इंस्टीट्यूशन की, और सभी को इंसाफ दिलाते हुए एक बार फिर से नजर आएगा कुछ समय के लिए। मेरे ख्याल से तो यहाँ पर जो ECP का किरदार है वो कम ही नजर आएगा आपको, हरिणी के टाइम पर जरूर नजर आएगा, क्योंकि आने वाले एक दो एपिसोड में किरण का तो तपता साफ हो जाएगा, और आने वाले एपिसोड में हरिणी को भी थोड़ी मार वार फिर से पड़ने वाली है, बिकॉज यहाँ पर हरिणी जो है वो जॉब वॉब की तलाश कर रही है, और उसके पास सबसे बड़ा टैलेंट है उसकी सिंगिंग, और जब वो सिंगिंग की प्रैक्टिस करते हुए नजर आएगी तो हरिणी के ऊपर किरण का हाथ एक बार फिर से उठने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं पर सभी की आवाज जो है उसके कानों में गूंजने वाली है, और आने वाला एपिसोड काफी कमाल का हो सकता है। ऑल ओवर आप लोग इस एग्जाम वाले ट्रैक के लिए कितने एक्साइटेड है जो आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन शेयर करना मत भूलिए। कोई भी सवाल है तो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पर भी सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज आपके फेवरेट टीवी सीरियल से जुड़ी अपडेट्स मैं लगातार आपको यहां पर पहुंचाता रहता हूं। मैं मिलूंगा आप सभी को अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।